भारत निर्वाचन आयोग ने सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नियमावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 1 नवंबर से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 1 नवंबर से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली का आलेख प्रकाशित होगा। वहीं 1 नवंबर से 30 नवंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की तारीख रहेगी। विशेष अभियान तिथि 7 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर और 27 नवंबर रहेगी। 20 सितंबर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा। 5 जनवरी 2022 को निर्वाचक नियमावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने अपील की है कि सभी मतदाता सूची में शामिल हों, इसके लिए अपना नाम जरूर मतदाता लिस्ट में जुड़वाएं। मतदाता का नाम एक ही जगह रह सकता है, दूसरी जगह किसी कीमत पर नाम दर्ज नहीं हो सकता है। अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड लगाकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आधिकारिक जांच करने के बाद कोई डॉक्यूमेंट न होने के बावजूद जांच करके 18 साल से ऊपर के मतदाता को मतदाता सूची में शामिल कर सकते हैं। हम लोगों ने ये जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि जिसकी 1 जनवरी 2022 है, उसके आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण दिनांक 1 नवंबर 2021 से शुरू हो रहा है। उसके संबंध में हम लोगों ने ये आज आप लोगों को बुलाया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया गया है। जो हमारे मध्य स्थल थे उनका रेसमिलाइजेशन वगैरह सब कुछ पूरा हो चुका है। आलेख प्रकाशन 1 नवंबर 2021 को किया जाएगा। दावे आपत्ति मतलब नाम बढ़ाने के लिए, उसमें कोई करेक्शन के लिए, विलोपन के लिए, वो 30 नवंबर 2021 तक लिया जाएगा, परंतु प्रोसेसिंग हमारी इसकी चालू रहेगी। और जो ईआरओ है हमारे, वो इसको प्रोसेस करेंगे 20 दिसंबर 2021 तक। और जो फाइनल ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा वो 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा। इसमें आप लोगों से यही अनुरोध है कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग का भी यही निर्देश हमेशा रहा है कि फ्री, फेयर, पीसफुल के साथ साथ इंक्लूसिव अर्थात सभी की सहभागिता हो। नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, एवरी वोटर काउंट्स। तो जो भी अर्ह हैं, जो 1 जनवरी 2022 को 18 साल या उससे ऊपर की उम्र प्राप्त कर रहे हैं, वो अवश्य इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करें ताकि उनके फॉर्म प्रोसेस होके उनको समय पे एपिक मिल जाए। इस अभियान में 4 विशेष तिथियां निर्धारित की गई हैं, जो कि 7 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर और 27 नवंबर है। इस दिन विशेष तौर पर बूथ पे बीएलओ हमारे उपस्थित रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको अवगत करा दूं, मैं नाम सम्मिलित कराने के लिए फॉर्म 6 किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली नाम सम्मिलित करवाने के लिए फॉर्म 6A, निर्वाचक नामावली से नाम विलोपित करने के लिए फॉर्म 7, कोई संशोधन कराना हो, जैसे कि मान लीजिए किसी में स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी में एड्रेस का कुछ अगर गलती है या कोई त्रुटि है, तो उसके लिए फॉर्म 8। अगर आप उसी विधानसभा में एक जगह से दूसरे जगह जाके बसे हैं तो फॉर्म 8A भरना है। निर्वाचक नामावली नाम जुड़वाने, संशोधन इत्यादि के लिए, विलोपन के लिए ऑनलाइन सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। www.voterportal.eci.gov.in और nvsp.in। इसके अलावा आप अपने मोबाइल पे चाहे एंड्रॉयड हो चाहे आईओएस हो, उसके वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड भी कर लेंगे। उसके थ्रू भी अगर आप भर रहे हैं और संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो है उसको अपलोड कर रहे हैं तो संबंधित अधिकारी के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। इसमें गलतियों की गुंजाइश भी कम होती है क्योंकि आप खुद अपना नाम भर रहे हैं और पूरा डिटेल भर रहे हैं।
उतना कम समय लगेगा और साथ ही साथ ये बहुत यूजर फ्रेंडली ऐप है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे युवा है वो अवश्य इसका उपयोग करें, ताकि बिना किसी, क्योंकि हमारे पास माननीय भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है कि मुख्य रूप से मतदाता दो बार हम लोग के संपर्क में आते हैं। एक बार तो जिस समय उनको नाम बढ़वाना होता है या करेक्शन करवाना होता है, दोबारा जब वो जाते हैं वोट डालने। तो उनको जितना अच्छा अनुभव हो वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इसी के साथ साथ यदि सर्च वगैरह करना है तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपने आपका नाम कहाँ पे शामिल है, या अगर आपने अप्लाई किया है तो सबमिटेड, प्रोसेसिंग, एक्सेप्टेड, अगर एक्सेप्ट हो गया तो उसके बाद आपके पास समय से एपिक भी पहुंच जाएगा।